कि मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न किस तरीके से रोटी बेल रहा है ये, क्योंकि अगर एक दिन जब वो नहीं रहती है तो आटे दाल का भाव पता चल जाता है। इनका खाना मेरे लिए प्रसाद होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं, ये मेरी प्यारी माँ हैं, और एक तो भाई माँ भाभी माँ हैं। ओ भाभी माँ और भतीजा मंथन, ये दोनों गए हुए हैं वैष्णो देवी दर्शन करने, और आज शायद दर्शन कर भी रहे हों। तो आज ये खाना खास इसलिए है क्योंकि इसमें कई लोगों का योगदान है। भाई जैसे माँ हैं, भाई माँ ने दाल चावल और ये परवल आलू की बढ़िया सब्जी बनाई है माँ ने, ठीक है। और ये जो आप रोटी देख रहे हैं, रोटी, इस रोटी के बनने में भी मेरे दो भाइयों का मेहनत है। मेरे एक भाई ने जो है आटे को गूंथा यानी कि साना बढ़िया से, और मेरे दूसरे भाई ने जिसने आटा गूंथा उसका नाम कुणाल जायसवाल है, और जिसने रोटी बनाई उसका नाम शत्रुघ्न जायसवाल है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न किस तरीके से रोटी बेल रहा है और गैस के चूल्हे पे रोटी सेक रहा है। दोस्तों, खाना जब एक औरत घर के बाहर जाती है तो कितना कठिनाई से खाना मिलता है इसकी कीमत तब पता चलता है, ठीक है। दोस्तों, घर में जो खाना मिले उसकी इज्जत हमेशा करें, और घर में जो औरत खाना बनाती हैं उनका सम्मान तो हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन जब वो नहीं रहती है तो आटे दाल का भाव पता चल जाता है। तो दोस्तों, ये रही बढ़िया दही। और अब आप सोच रहे होंगे कि सब तो अपना काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, मेरा काम है, भाई भाभी माँ तो है नहीं। अब खाना भाई बना दिया माँ ने, दाल चावल सब्जी रोटी, एक भाई ने आटा सान दिया तो दूसरे ने बना दिया, तो मेरा काम ये है खाना खाने के बाद सबका जो है जा करके बर्तन को धुलना अच्छे से, ठीक है। तो ये काम बढ़ जाता है, चार पांच लोग लगे हैं तब जाके ये खाना बना हुआ है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इस वीडियो का भी इतिहास रहे कि संयुक्त परिवार का फ़ायदा हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। टुकड़े मत रहिए, संयुक्त परिवार में रहिए, झगड़े होते रहते हैं, लड़िए, लेकिन साथ मत छोड़िए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। हाय माँ, माँ खा ही रही थी। घर की जमी रही है ये दोस्तों, बाहर की नहीं है। अपना खाना खाने का देसी अंदाज ये रहा, बढ़िया देखा।
दोस्तों, मैं जब भी खाना खाता हूँ, वीडियो बना रहा हूँ तो अलग से बात अलग है, नहीं तो ऐसे मैं बैठ के खाता रहता हूँ उनके साथ। इनकी हमेशा से आदत है खाना छोड़कर मुझे देने की, और जैसे मैं नहीं रहता तो और भी भाई लोग हैं, सब खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ही खाता हूँ क्योंकि मैं ही इनके पास ही रहता हूँ, इनके पास ही सोता भी हूँ। तो दोस्तों, ये खाना छोड़ती छोड़ती, जबकि मैंने बहुत थोड़ा सा इनको दिया था अपने से, भाभी तो और लगा करके देती है कायदे से। ये देखिए छोड़ी हुई हैं, रोटी नहीं खाई, रोटी भाई ने बनाया, थोड़ी मोटी मोटी बना दिया था, नहीं खा पाई होंगी। तो इनका खाना मेरे लिए प्रसाद होता है ये, और मैं इस खाने को खाता ज़रूर हूँ। ये लिया, मेरे लिए प्रसाद है ये मिलना ही मिलना है। दही भी नहीं खाओ क्या? दही की बहुत बड़ी प्रेमी है, इसके पीछे बहुत लड़ाई करती है, लेकिन आज छोड़ी हुई है ये।
दोस्तों मेरा आज का वीडियो बनाने का एक ही रीज़न था कि संयुक्त परिवार का जो फ़ायदा होता है, तो मेरा कहना है संयुक्त परिवार में रहोगे तो ज़्यादा खुश रहोगे। मैं बार बार कहता हूँ झगड़े हर घर में होते हैं, झगड़िए, अपनी बातों को रखिए, एक दूसरे का आलोचक भी होइए फैमिली में, लेकिन साथ किसी भी तरीके से मत छोड़िए, मिलकर रहिए। दोस्तों साथ मिलकर जो मज़ा है वो अलग रहने का नहीं। तो आज की ये वीडियो खास तौर पर मैंने बनाई संयुक्त परिवार के नाम। देखा ना किस तरीके से मेरे भाइयों ने सहयोग किया, सारी चीज़ें, भाभी माँ भी रहती है, तो हमारे यहाँ सब एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाभी आगे तो नहीं करना है, सब एक दूसरे का करते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा संयुक्त परिवार का सुझाव आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों जब आप वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, फिर हम आगे की वीडियो बना पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, और हाँ दोस्त, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। दोस्तों इस सहयोग की मुझे आवश्यकता है, प्लीज़ आप सभी मुझे ये सहयोग करें। और यदि इस वीडियो को YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ना करें। दोस्तों पंखा इसमें बंद इसलिए किया है, माँ को ठंडी लग रही थी तो पंखा बंद कर दिया, तो पसीने से तर बतर हो गया है, AC भी बंद करनी पड़ गई। तो दोस्तों भाई माँ के हाथ के खाने का स्वाद सभी का माँ, जितने भी संसार में लोग हैं, व्यक्ति, सभी की माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये देखिए माँ का स्वाद का हाथ, आह जय माँ, स्वादिष्ट है भाई।